मेयर श्री कमलनाथ जी ने आज ये कार्यक्रम रखने का हमें आदेशित किया है। मध्य प्रदेश में गांधी चौपाल और भारत जोड़ो यात्रा के तहत हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जन समस्याओं के निराकरण की पहल कर रहे हैं। गांधी चौपाल लगाकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने सुनी लोगों की समस्या। शिविर में आए 500 आवेदक। विदिशा के पठारी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में गांधी चौपाल भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश मिला है। इसी क्रम में कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में गांधी चौपाल और भारत जोड़ो यात्रा के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी के चलते बुधवार को स्थानीय बस स्टैंड पठारी पर महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर गांधी चौपाल के से जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया, जिसमें 500 से अधिक नागरिकों ने आकर अपनी समस्याएं प्रतिनिधि मंडल को नोट कराई। खास बात यह रही कि न केवल पठारी के बल्कि आसपास के 20 से 25 ग्रामों के नागरिक उपस्थित हुए और अपनी समस्या प्रतिनिधि मंडल को नोट कराए। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सुभाष बहुत ने इस अवसर पर कहा कि कमलनाथ के एक इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश की जनता में हाहाकार है, चारों तरफ गरीबों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री सिवाय घोषणाओं के और कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत ने कहा कि सभी समस्याएं एकत्रित कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपी जाएगी और अगर उनका निराकरण नहीं हो पाया तो जन आंदोलन, भूख हड़ताल, रैली आदि निकाल के समस्याओं की पहल की जाएगी। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए शिविर को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पठारी क्षेत्र से कांग्रेस के लिए हमेशा समर्पित क्षेत्र रहा है और आगे भी रहेगा। चौहान ने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ के इशारे पर संघर्ष करते हुए जनता के बीच उनकी समस्याओं का उठाने का प्रयास करेगा। कई वरिष्ठ और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी शिविर में मौजूद है। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट।